हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए, मैं यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो गई थी। मैं अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, सो आई एम सो सॉरी। तो अब से मेरे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंटिन्यूटी बना के रखूं, और इसके लिए आपका छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिए और बने रहिए मेरे साथ में। आज हम लोग आए हैं जुबली पार्क, जो कि जमशेद जी ने टाटा नगर वासियों के लिए एक गिफ्ट दिया था, और ये बहुत बड़े एरिया में है, बहुत बड़ा है। एक दिन में दिखा पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितनी दूर भी मैं दिखा पाऊँगी, आप प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिए। तो सुबह में हम लोग वॉक कर रहे थे, तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाएं और इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए चलते हैं, साथ में मेरे वॉक करिए, जुबली पार्क देखिए और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानिए। फ्रेंड्स, इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। इसके कम रहने पे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया हो जाती है। इतना तो हम सभी जानते हैं, बट हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा आगे। आपको पता है विटामिन डी नाम है इसका, बट ये काम करता है एज अ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जाके, और स्पेशली हम लेडीज़ में ये हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को ये मेंटेन करता है, और इसकी कमी हो जाने पर हमारे अंदर मूड चेंजेस होते हैं, डिप्रेशन, कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है। तो भाई, विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका एब्जॉर्प्शन लगातार करते रहिए, इसको बनाते रहिए। फ्रेंड्स, आपको पता है विटामिन डी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सबका खात्मा करता है। जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल का होना और बीपी हो जाना, हार्ट डिजीज़, मोटापा, डायबिटीज़, इन सबको प्रिवेंट करता है। और ये तो फ्रैक्चर के रिस्क को तो कम करेगा ही, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। और बच्चों में भी, जैसे प्रेगनेंसी में विटामिन डी के कम हो जाने से बच्चों में हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या ग्रोथ रिटार्डेशन, ये आम बात होती है। विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट होते हुए भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक प्राइमरी सोर्स है विटामिन डी का, वो सनलाइट है। अगर हम सनलाइट के एक्सपोज़र में 10 टू 20 मिनट रह लेते हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट में विटामिन डी बन जाता है, और इससे ज़्यादा कहीं से नहीं मिलता है। इवन ये सप्लीमेंट के रूप में भी अवेलेबल है, और डाइट में भी हम कहीं कहीं से इसको पा सकते हैं। जैसे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एग योक है, फिशेज हैं, और लीवर ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, जैसे क्रीम है, चीज़ है, मशरूम्स हैं। बट मशरूम्स भी आजकल लोग अंधेरे कमरे में उगाते हैं, जिसमें ऊपर से विटामिन डी डालना पड़ता है, जिसको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें ऊपर से विटामिन डी डाला गया होता है। तो मतलब चाहे जितना जो भी हम ले लें, कमी अगर हमारे अंदर है, तो हम बहुत सारे सोर्सेज तलाशते हैं, सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। बट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सनलाइट के एक्सपोज़र में रहना, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम सनलाइट में जाएँ तो सनस्क्रीन लगा के नहीं जाएँ, क्योंकि वो हमारी स्किन को ब्लॉक कर लेता है और यूवी रेज एंट्री नहीं कर पाएंगी, तो सिंथेसिस हो कैसे पाएगी। तो विदाउट सनस्क्रीन लगाए आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए और भरपूर विटामिन डी लीजिए। और वैसे भी जो लाइफ का सोर्स है ना, वो अल्टीमेट सोर्स है सन। तो सन को हम भुला के, आजकल का लाइफ स्टाइल इतना बेकार हो चुका है, हम लोग सन के एक्सपोज़र में नहीं जाते हैं, टाइम स्पेंड नहीं करते हैं घर से बाहर, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे हम में से सभी लोगों को शिकायत होती है मसल्स में स्वेलिंग, हड्डियों में कमज़ोरी, इवन पता है हड्डियाँ खड़े खड़े या बैठे बैठे भी आजकल लोगों की टूटने लगी हैं। बहुत सारे लोगों के फ्रैक्चर के ऐसे केसेस सुनाई देते हैं कि ऐसे बैठे थे या खड़े थे, हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया।
तो हमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, भरपूर मात्रा में विटामिन डी की सिंथेसिस करिए, क्योंकि इसका ओवरडोज होना इम्पॉसिबल है। मतलब इसका बहुत कम रिस्क होता है कि हमारे अंदर इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। तो मेरा वीडियो बस यही तक था। आप लोग को पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। तो बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, बताना मत भूलिएगा जुबली पार्क आपको कैसा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।